कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस इंटरेस्टिंग कोडिंग ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको कुछ इस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। सो आप देख सकते हैं हमारा डेमो, मैं कंटिन्यू डेमो शो कर रहा हूँ क्योंकि ये एनिमेशन है इतना सुंदर। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम हमारी स्प्लैश स्क्रीन को एनिमेटेड करने वाले हैं। और ये ट्यूटोरियल सबसे अलग है आज तक की हमारी सभी वीडियो की, जो स्प्लैश स्क्रीन की वीडियो है उसके अंदर ये एनिमेशन सबसे हटके है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। सो ये वेलकम स्क्रीन खुल गई, आप देख सकते हैं हमारी स्प्लैश स्क्रीन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड और इसका इम्प्लीमेंटेशन, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस ट्यूटोरियल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये हैशटैग मस्ट वॉच ट्यूटोरियल है हमारी इस वीडियो के लिए। सो आप चाहे तो इसे कंप्लीट देख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं लिंक आपको दे दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तब। और जैसे ही ये वीडियो पे 20 लाइक्स आ जाएगी मैं आपको इसका पार्ट 2 बना के दूंगा जहाँ पे मैं कुछ अलग से एनिमेशन करूँगा। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब बढ़ता हूँ मैं हमारी एनिमेशन की ओर, और उससे पहले मैं आपको देना चाहूँगा हमारे सारे असेट्स। सो हमारे फर्स्ट असेट्स है वो है बुक्स बैकग्राउंड। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक इमेज है और एक हमारा लोगो है। और स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है आपके लिए, और इसके लिए मैं तीन अलग अलग एनिमेशन ऐड करने वाला हूँ। सो सब आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसकी तैयारी करता हूँ। सबसे पहले हमारे मेन कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमें ग्रेविटी दे देनी है सेंटर, ताकि हमारे पूरा लेआउट सेंटर के अंदर शो हो जाए। और उसके बाद हम इमेज व्यू ऐड करेंगे। सो इमेज व्यू की आईडी इस स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हर एक व्यू के ऊपर एक यूनिक आईडी देना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसके ऊपर एनिमेशंस भी ऐड करना होता है। सो सबसे पहले मैंने आईडी दे दी स्प्लैश बैकग्राउंड, और उसकी विड्थ और हाइट रख देनी है मैच पेरेंट। उसके बाद स्केल टाइप कर देंगे सेंटर क्रॉप, ताकि ये पूरी इमेज हमारी फुल स्क्रीन के अंदर शो हो जाए। और उसका सोर्स दे देंगे बुक्स बैकग्राउंड, जैसे ही आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास है व्यू। सो ये व्यू लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से मैं पूरे इमेज के ऊपर एक ब्लैक ओपेसिटी डाल सकता हूँ। सो उसके लिए मैंने एक ब्लैक ग्रेडियंट सिलेक्ट किया है, जिसका स्टार्ट कलर और एंड कलर सेम ही देना है, इट इज़ AE000000। इसकी मदद से हमें पूरे ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा, और उसके ऊपर हमारा लोगो और जो टैक्स है हमारा वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। सो उसके बाद मैंने इमेज व्यू डाल दी हमारे लोगो की, सोर्स दे के उसके विड्थ और हाइट रख दी 200 dpi, और उसके कंस्ट्रेंट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और उसकी जो टाइटल है वो भी मैंने डाल दिया, उसकी विड्थ रखेंगे मैच पेरेंट, ऐड रखेंगे रैप कंटेंट, और उसकी जो मार्जिन टॉप है वो ऐड करनी है 15 dpi, और ग्रेविटी कर देनी है सेंटर, और टैग साइज जो रहेगी वो रहेगी 30 sp। उसके बाद सेम फॉर क्रेडिट। सो क्रेडिट के लिए मैं अभी डिप्ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसी तरीके से पूरा हमें ऐड करना है। और उसके बाद मैं एनिमेशन की ओर बढ़ता हूँ। सो हमारे जो इमेज है उसके लिए मैंने ये एनिमेशन सिलेक्ट की है, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 1500 मीन्स 1.5 सेकेंड। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5 सेकेंड्स। और उसके बाद हमारा जो फ्रॉम एक्स स्केल फ्रॉम वाई स्केल वो रहेगा 0 0, 2x स्केल 2y स्केल रहेगा 1 1, एंड पाइवोट एक्स एंड पाइवोट वाई रहेगा 50 50। और उसके अल्फा सेट करने हैं 0 to 1 मीन्स नल से लेके कंप्लीट दिखे
वहाँ तक हमें उसे शो करना है। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टाइटल के लिए। सो टाइटल के लिए सेम मैंने ड्यूरेशन यूज़ किया है 1500, स्टार्ट ऑफ सेट रखा है 250 और उसके अंदर हम एंड्रॉयड की बाउंस इंटरपोरेटर ऐड कर देंगे एनिमेशन, और फ्रॉम वाई डेल्टा रखेंगे 200, टू वाई डेल्टा रखेंगे 0। उसके बाद सेम अल्फा का खेल शुरू करेंगे जिसके अंदर 0 to 1 ट्रांसलेट यूज़ होता है हमारे व्यू को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए, और अल्फ़ा यूज़ होता है ओपेसिटी के लिए, और ड्यूरेशन होता है कितने समय तक हमें ये एनिमेशन शो करना है, स्टार्ट ऑफ सेट का मतलब है कितने समय बाद शुरू करना है, और इंटरपोलेटर का मतलब है कि कौन सी ओवरऑल एनिमेशन चाहिए। सो अब मैं इसका इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ। इसी तरीके से मैंने क्रेडिट में सिर्फ ये स्टार्ट ऑफसेट है उसको चेंज करके 300 कर दिया है। अब इस स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं स्प्लैश टाइमर 3000 सेट कर दूँगा, और इमेज व्यू स्प्लैश लोगो, टेक्स्ट व्यू रहेगा स्प्लैश टाइटल क्रेडिट, और उसी की तरह सभी एनिमेशंस ऐड कर दूंगा। और उसके बाद मेरे पास है ऑन क्रिएट मेथड, और उसके अंदर हमें गेट विंडो डॉट सेट फ्लैक्स करना है, इससे हमारा जो स्टेजेस बार है वो गायब हो जाएगा। सो विंडो मैनेजर डॉट लेआउट फ्रेम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन, और यही सेम कोड को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दीजिए और फिर से पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद हम फाइंड व्यू बाय आईडी लगाएंगे स्प्लैश लोगो डॉट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसी तरीके से सभी के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी करना है, और उसके बाद एनिमेशन लोड करने के लिए एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, और उसके लिए दिस एज अ कंटेक्स्ट पास करने और आर डॉट एनिम डॉट स्प्लैश और वट एवर एनिमेशन जो आपने देनी है वो। उसके बाद सेट एनिमेशन कर दीजिए और न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड लेमडा इंटेंट आप शुरू कर सकते हैं अपनी लॉगिंग एक्टिविटी के लिए, और फिनिश करना मत भूलिएगा, और यहाँ पे आपको कॉमा करके स्प्लैश टाइमर दे ही देना है ताकि इतने सेकेंड बाद ये हैंडलर ख़त्म हो जाए और हमारी इंटेंट के अंदर हम लैंड हो जाए। सो अगर आपको फूड ऐप ट्यूटोरियल चाहिए तो इस वीडियो को 20 लाइक्स दे दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सोर्स कोड के लिए कमेंट कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स।